हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और मैं आज जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो है स्कूल ईआरपी मॉड्यूल्स के बारे में। तो स्कूल ईआरपी मॉड्यूल्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे अटेंडेंस बनाना, एडमिशन लेना, फी कलेक्शन करना, एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। तो एक मॉड्यूल्स पर चर्चा करें तो आपको बता देगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन या एग्जाम सिस्टम क्या होता है। तो जैसे स्कूल में करंट सिस्टम में क्या होता है कि टीचर एग्जाम के लिए एग्जाम रूटीन बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने के बाद मार्क्स टेबल बनाते हैं, मार्क्स टेबल बनाने के बाद मार्क्सशीट में मार्क्स को जनरेट करते हैं और एक फिक्स डेट चूज करके और मार्क्सशीट को स्टूडेंट पेरेंट्स को बुलाकर मार्क्सशीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले एग्जाम शेड्यूल तैयार किया जाता है, एग्जाम शेड्यूल तैयार किया जाता है जिसमें हम लोग के स्कूल के स्टाफ का, टीचर का, स्टूडेंट का एडमिन लॉग रहता है। जब टीचर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने के बाद मार्क्स टेबल डायरेक्ट हम लोग का सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद हम लोग का सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली मार्क्सशीट जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और जनरेट होने के बाद ऑनलाइन में, मानिए मेरे पास समय नहीं है, मार्क्सशीट हम लोग रेडी कर दिए, मार्क्सशीट रेडी कर दिए 15 तारीख को और हम लोग को 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग 15 को बनाकर पूरा चीज को जनरेट करके हम लोग सेव कर देंगे और 20 तारीख को ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर से मार्क्स स्टूडेंट का जनरेट हो जाएगा और स्टूडेंट अपना कहीं से भी किसी भी जगह से लॉग इन करके और वो अपना मार्क्स को आसानी से देख पाएंगे कि हम किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर हमको मिला है। इस तरह वो कहीं से एडमिट लॉग इन करके स्टूडेंट अपना और अपना मार्कशीट देख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।